गुड इवनिंग गाइस, और आप सभी लोगों का स्वागत है एटोमी टीम इनविंसिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं रितेश अंगारे आपका स्वागत करता हूं टीम इनविंसिबल की तरफ से इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का मेरा अचानक से लाइव आने का सिर्फ एक रीज़न है, और जो रीज़न आप तक ऑलरेडी पहुंच चुका होगा, बहुत सारे लोगों ने ये न्यूज़ देख चुके होंगे और काफ़ी लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी और कुछ लोगों को नहीं होगी। तो ये स्पेशल वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं कि जो डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ पोर्टल है, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ पोर्टल ने वापस एक टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ की लिस्ट अनाउंस की है। लास्ट इसके पहले एक लिस्ट अनाउंस हुई थी 2019 में, और 2019 में एटमी की जो रैंकिंग थी वो 20th रैंक पे थी। मैं सारी चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। बहुत बड़ी न्यूज़ क्यों है ये मैं आपको समझाऊंगा। स्पेशली इसलिए क्योंकि अभी इंडिया और चाइना का मार्केट लॉन्च ही नहीं हुआ है, और इंडिया और चाइना मार्केट लॉन्च होने के पहले ही इस लेवल पे कंपनी की रैंक इतनी तेज़ी से इस 11th रैंक पे बाउंस करना बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ या काफ़ी लोग जो नए नेटवर्कर्स हैं या फिर जो नए व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग और अदर चीज़ों के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन है, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ एक ऐसा वेब पोर्टल है जो हर साल एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी मैगजीन है, इसका ई मैगजीन और इसका एक फिजिकल मैगजीन दोनों रिलीज होती है। और हर साल कंपनी वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज को लिस्ट करती है। 2019 में जब एटमी को इस टॉप 100 की लिस्टिंग में जगह मिली थी, तो कंपनी की जो रैंक थी वो 20वीं रैंक पे थी, और 20वीं रैंक पे थी। और 2020 में वापस अगर हम लोग अभी की रैंक की बात करें तो करीब 11वें रैंक पे बाउंस हो पद है वो चला गया है, कंपनी का रैंक जो चला गया है। और ये बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं आपको सिस्टमैटिक समझाने की कोशिश करूँगा कि ये न्यूज़ इतने ज़्यादा मायने क्यों रखती है। तो मैं आपको इमीडिएट जो है अपने ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ। ओके गाइज, तो ये देखिए, ये 2019 की एक न्यूज़ आई थी। 2019 की न्यूज़ में एटमी की जो रैंकिंग थी इसमें ये 20th रैंक पे था, ये देख सकते हैं आप, ये 20वीं रैंक पे, ठीक है। ये 20वीं रैंक पे डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ ने एटमी को जगह दी थी। और जैसा कि हर किसी को ये पता था, और हम लोगों ने प्रेडिक्ट भी किया था, कि जो एटमी की रैंक है वो करीब 12 से 15 के बीच में रैंक आएगी, बट हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। और अभी जो कंपनी की रैंक है वो कंपनी की रैंक सीधा बाउंस करके, आपको मैं ये इसको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कंपनी ने एक पूरी ई मैगजीन रिलीज़ करती है, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ का एक पूरा ई मैगजीन रिलीज़ होता है। ई मैगजीन में 11वें नंबर पर एटमी की पोजीशन दिखाई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारे अपडेट्स हैं जो कंपनी रिलेटेड, एटमी रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इस मैगजीन पर देख सकते हैं। ये देख सकते हैं टॉप 10 की न्यूज़, ठीक है, ये ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ है। टॉप 10 की न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में ये है एटमी, जो मैंने आपको बताया है फर्स्ट रैंक इस पेज पे जो फर्स्ट रैंक है, तो 11वें नंबर पे आपको दिख रहा है 1.3 बिलियन 2019 की नेट सेल्स जो है वो रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। और इसके बारे में और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये 11वें नंबर पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। कंपनी की रैंक टोटल दिखा रही है, कंपनी किस जगह से है, कंपनी का 2019 की रैंक क्या थी, सारी चीज़ें। तो एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जिसे भी चाहिए वो इस पर्टिकुलर मैगजीन तक पहुँच सकता है। इस मैगजीन तक पहुंचने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको सबसे पहले जाना है directsellingnews.com के नाम से। जैसे ही आप directsellingnews.com ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये दिखाई देगा आपको जून डिजिटल इशू, ठीक है। जून डिजिटल इशू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला जो पेज है ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आप ये पूरी मैगजीन जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर इसे एक बड़े व्यू में देखना है तो आप इस तरीके से बड़े व्यू में देख सकते हैं और सारी चीज़ें जो है क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये न्यूज़ मैटर क्यों करती है, मैं आपको उसका एक मेजर दो रीज़न देता हूँ। जितनी भी कंपनी टॉप 100, टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100 या टॉप 10 में लिस्ट हुई है, वो सारी की सारी कंपनीज में से मैक्सिमम कंपनीज, आप बोल सकते हैं करीब करीब 98-99% कंपनीज जो हैं वो इंडिया और चाइना की मार्केट में एग्जिस्टिंग काम कर रही हैं, या उन्होंने मेजर मार्केट कवर करके रखा है। चाहे आप एमवे की भी बात करेंगे तो एमवे वर्ल्ड की टॉप 200 कंट्रीज में ऑलरेडी काम कर रही है, ठीक है, और बहुत पुरानी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो अब दो मेजर खबरें इस चीज में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, और जो कंपनी का फ्यूचर दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, वो दो मेन खबरें क्या हैं।
वो मे दो मेन खबर है। एक पहली चीज ये कि 10 साल के ड्यूरेशन में इतना फास्टेस्ट ग्रो किसी कंपनी ने नहीं किया है, ठीक है, जो कि मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ। अगर आप उनके डेटा को एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। तो सिर्फ 10 साल के रिकॉर्ड में कंपनी ने, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने इतना फास्ट ग्रो नहीं किया है, और 10 साल के अंतर में ही कंपनी ने टॉप 20 में पहले अपनी जगह बनाई थी, अब टॉप 20 से बाउंस होकर टॉप 11 में कंपनी ने अपनी जगह बनाई है और 11वीं रैंक पर आई है। दूसरी मेजर खबर जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, इंडिया और चाइना का मार्केट, जैसा हम सभी को पता है कि इंडिया में करीब करीब 14 लाख प्लस प्री रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और चाइना में जो मेरे रिसोर्स से मेरी खबरें मुझ तक मिली हैं, तो मान लीजिए कि करीब 27 से 29 लाख लोग वहां पे करीब रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है, और वो बहुत ही कम टाइम पे हो चुके हैं। इंडिया में तो एक डिसेंट टाइम डेफिनेटली गया था, बट चाइना में इतना बड़ा मार्केट कैप्चर करने के लिए बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगा, बहुत ही कम समय में हो गया। तो अब आप एक अपना इमेजिनेशन लगा के सोचने की कोशिश कीजिए कि आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है एटमी का। जो भी काम एटमी ने पिछले 10 इयर्स में या 13-14 कंट्रीज में, जितनी भी मल्टीपल कंट्रीज में काम किया हो, वो सारा का सारा काम अभी यहाँ पे होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 साल लग रहा है, और उससे डिफरेंस ये पड़ने वाला है कि कंपनी की रैंक से लेके, कंपनी के सक्सेस स्टोरी से लेके, कंपनी में जितने अचीवर्स निकलने वाले हैं, जितने इनकम लेवल अचीवर्स निकलने वाले हैं, सारे के सारी चीजें बढ़ने वाली हैं, ठीक है। तो इमेजिन ये किया जा रहा है कि अगली 2021 और 2022 की न्यूज में ये टॉप 5 के अंदर में कंपनी जो है वो आएगी डीएसएन की न्यूज में। तो अभी भी गाइस बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाए हैं, मैं उनसे वापस वही रिक्वेस्ट करूंगा और उन्हें समझाना चाहूंगा कंपनी का पोटेंशियल, और कंपनी के सारी इंफॉर्मेशन सारा डेटा दिखाते हुए यही समझाना चाहूंगा कि क्विक डिसीजन लीजिए। अगर आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद बहुत पीछे रह रहे हैं। ओके अगेन गाइस, आई एम रिपीटिंग दिस कि वही बात है जो मैं इसके पहले के वीडियोस में भी बोल चुका हूं कि दो डिफरेंट माइंडसेट है। अभी भी जो लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये होगा तो हम लोग देखेंगे, वो होगा तो हम लोग तब देखेंगे, तो आप जो भी देखना चाहते हैं वो सारे अपडेट डेफिनेटली इन फ्यूचर आने वाले हैं। इनफैक्ट आपकी इमेजिनेशन से बड़े अपडेट्स आने वाले हैं। और दूसरी जो एक कैटेगरी है, वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमिस्ट लोग जो हैं, मैं उनको बोलूंगा, तो आप मैटर करता है इन दोनों में से किस कैटेगरी या किस विचारधारा को बिलोंग करते हैं। अगर आप दोनों में से किसी भी विचारधारा को बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली आपका स्वागत है, ठीक है, लेकिन आप वेट ना कीजिए, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है ये दोबारा नहीं आएगी, और इसके बाद में मैं बैक टू बैक कुछ और बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ और कुछ बहुत सारे अच्छे ट्रेनिंग वीडियोज़ के साथ में आप सभी लोगों को ज्वाइन करने वाला हूं। तो चैनल पर बने रहिए, और जो भी व्यक्ति अभी हमारे चैनल से नया जुड़ा है, मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इमीडिएट चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि सारे जो छोटे बड़े अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच सके, चाहे एटमी रिलेटेड हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के न्यूज़ से रिलेटेड हो, या मार्केटिंग और ट्रेनिंग रिलेटेड न्यूज़ हो, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंच सके। और बहुत सारे लोग जो एक अच्छी पोजीशन, पावर और बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी की तलाश में है, और एटमी में कोई ऐसी टीम ढूंढ रहे हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ ग्रो कर रही है, तो आप हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम का नाम है टीम इनविंसिबल। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन का पहुँचाना, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा हुआ था कि कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुँचाई गई थी। मैं इस वीडियो के साथ में एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा कि कभी भी कोई आर्टिकल आता है, चाहे वो किसी भी सोर्स के थ्रू आ रहा है, तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप एटमी के मेंबर हैं या किसी अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बिलोंग करते हैं, नो मैटर, बट जब भी कोई ऐसा आर्टिकल आ रहा है तो प्लीज़ उसे बहुत केयरफुली रीड कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी हिडन इन्फॉर्मेशन होती है जो कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं, और इसके चक्कर में जो है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देते हैं एक दूसरे को। तो उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब डीएसएन का अप्रैल का एक एडिशन आया हुआ था, तो उस अप्रैल के एडिशन में मैंने उसी टाइम पे आप लोगों को बताने की कोशिश की थी, काफी जो एटमी के मेंबर्स हैं, कि उसमें लिखा हुआ था क्लियर कि उसका जो फुल एंड फाइनल एडिशन है वो जून को रिलीज होगा, और काफी लोग उस टाइम पे पैनिक हो रहे थे और पेशेंस नहीं रख पा रहे थे। तो आई थिंक ये खबर आपको काफी ज्यादा रिलीफ देगी, और इसलिए मैं बोलता हूं कि कोई भी आर्टिकल, छोटे से छोटा आर्टिकल है, बड़े से बड़ा आर्टिकल है, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन है या बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन है, सिस्टमैटिक आप टाइम दीजिए, उसका एक एक शब्द पढ़िए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग जो बोलते रहते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एजुकेशन मायने नहीं रखता, मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चीज़ों को सही तरीके से पढ़ना, समझना, सही तरीके से फॉरवर्ड करना और सही मैच्योरिटी रखना मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो मेरा यही मैसेज है इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ में। तो गाइज़,
आने वाले समय का वेट मत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय पे जब तक कंपनी टॉप 5 में चली जाएगी, और इनफैक्ट एमवे के फाउंडर का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है इस चीज़ को लेके, और उन्होंने बोला हुआ है कि 2025 तक जो है एटमी जो है वो लीड करने वाली है ग्लोबल चार्ट पे। तो इससे बड़ी न्यूज़ एमवे के फाउंडर ने अगर ये बात बोली है तो इससे बड़ी न्यूज़ आई डोंट थिंक कि कोई हो सकती है, इससे बड़ा रिसोर्स कोई और हो सकता है। तो अभी भी मौका है और इमीडिएट ज्वाइन कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें कोई आपका कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, या बहुत कोई बड़ी आपकी चीज़ नहीं जा रही है, सिर्फ आप एक अपॉर्चुनिटी आपको लेने की बात कर रहे हैं हम लोग। मैं आपके साथ में ज्वाइन करूँगा, कुछ ऐसे वीडियोज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन जो है थोड़ा सा ओपन हुआ है, तो मेरे कुछ दूसरे बिजनेस जो हैं उसमें मुझे समय देना पड़ रहा है, तो इसके कारण मैं फ्रीक्वेंट वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। बट आई विश मैं जब भी समय मिलेगा आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और ये इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, और थैंक यू गाइस।